जरा हट के चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम बना रहे हैं चने का छोला। इसमें हम प्रयोग कर रहे हैं गरम मसाले का, हल्दी का, थोड़ी सी हींग का, और हम इसमें तड़का लगा रहे हैं तेज़पत्ता, मिर्ची और जीरा से, और लहसुन और अदरक का पेस्ट से हम तड़का लगाएंगे, और इसमें हम आलू का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें अपना तेल डाल लेंगे। और इसे थोड़ा देर तक गर्म होने देंगे हम। अब हमारा तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है और इसमें हम अब तड़का लगाएंगे तेज पत्ते से और मिर्ची और जीरा से। थोड़ा हम इसको चला लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा इसे चला देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज को। थोड़ा हम इसको चला लेंगे और प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे। हमारा प्याज जो है बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हींग को, हल्दी को और गर्म मसाले को। अब थोड़ी हम इसको चला लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे अभी और हम चला लेंगे इसको। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक को, स्वाद अनुसार नमक हम डाल देंगे। फिर से हम इसे चला लेंगे, पूरी तरह से मिला देंगे इस नमक को हम। और इसमें अब हम डाल देंगे उबले हुए आलू को, थोड़ा सा मैश कर देंगे हम। और इसके बाद से इसी में हम अपना उबला हुआ चना और उसका पानी डाल देंगे। चला देंगे। इसमें थोड़ा सा और पानी हम ऐड करेंगे। और इसको हम फिर से चला देंगे और उसके बाद से इसका हम ढक्कन बंद कर देंगे। और इसे 2 या 3 सीटी लगाएंगे हम, तब तक इंतजार करेंगे।
लो जी हमारी आखिरी खुशबू लग चुकी है। वाह भाई खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। गैस को हम पूरी तरह से निकाल देंगे। ये लो जी पूरी तरह से सीटी हमारी निकल चुकी है, हवा निकल चुका है। अब हम इसे खोलेंगे और देखेंगे कि कैसा बना है। वाह भाई खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। वाह जी बिल्कुल हमारा छोला बन के रेडी हो चुका है, फास्ट छोला। तो इसको टेस्ट लेते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया बना है। बहुत अच्छा। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।